अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, इसका ताल्लुक है कॉन्फिडेंस से। कि कॉन्फिडेंस जो है वो कोई दुकान में पड़ी हुई चीज़ तो है नहीं कि जिसको ख़रीद कर हम घर में ले आएँ और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको अपने अंदर एक क़ुव्वत पैदा करनी होगी, अपने अंदर एक एतमाद पैदा करना होगा कि मैं जो कहने जा रहा हूँ, मैं जो करने जा रहा हूँ, उस पर मेरा अपना यकीन भी है कि नहीं है। जिसको आप हिंदी में विश्वास कहते हैं, उर्दू में यकीन कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको आप कॉन्फिडेंस या कहते हैं कि ये मुझे अपनी बात पर, अपने काम पर एतमाद है, यकीन है कि नहीं। अब मैं यहाँ जो आपसे एक बात करने जा रहा हूँ, अगर उस बात पर मुझे ख़ुद यकीन ना हो तो फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज और मेरे वर्ड्स और मेरे अल्फाज, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा। लेकिन अगर मैं खुद कॉन्फिडेंट होगा तो फिर जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ उसमें कॉन्फिडेंस होगा, उसमें ताकत होगी, और वो मैसेज कैरी भी करेगा और आप तक पहुँचेगा भी, और उस पर आपको अमल करने में आसानी भी होगी। तो कहने का मकसद है कि पहले अपने अंदर इस यकीन को पैदा करें। कैसे यकीन को पैदा करें? उसके लिए ज़रूरी है कि जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसके अंदर आपको ये अपने आप को समझाना होगा कि ये जो मैं कहने जा रहा हूँ और ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है। क्योंकि सच के साथ एतमाद जुड़ा है, सच के साथ यकीन जुड़ा है, सच के साथ कॉन्फिडेंस जुड़ा है। अगर आप ट्रुथ पर नहीं हैं तो कॉन्फिडेंस आपका शेक होगा। और इसलिए अपने दिमाग को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू वॉक इन सम प्लेस, जब आप कहीं जा रहे हों कोई काम करने के लिए, तो आप में ये एतमाद खुद ही आ जाएगा जब आपको ये यकीन होगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सच है, वो हक है, वो झूठ नहीं है, वो गलत नहीं है। अब आपको मैं दो इस ज़मीन में एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट है जिसे मैंने खुद किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल वही इक्विपमेंट है, वही टूल है, वही पीलर है, और ज़ुकीनी है, और इसको पील किया जा रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से स्ट्रोक लग रहे हैं लेकिन पीलिंग कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, हाथ से ज़ुकीनी भी गिर रही है, और कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से काम शायद अधूरा छोड़ के, बंदा हिम्मत हार के उस काम को अधूरा छोड़ के जा रहा है। दूसरी तरफ वही टूल है, वही ज़ुकीनी है, या उसी से मिलती जुलती एक और ज़ुकीनी है। ज़ुकीनी कद्दू की तरह का एक फल होता है, अंग्रेज़ी में इसे ज़ुकीनी कहते हैं, अरब ममालिक में कूसे के नाम से मिलता है। पता नहीं आप में से किसी ने देखा है कि नहीं, मैं आपको इसकी ओरिजिनल फॉर्म भी दिखा दूँगा। एक से ज़ायद किस्म के ये होते हैं, क्लोज इनफ टू आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो तोरी होती है, तुराई कुछ लोग कहते हैं, तोरी कुछ लोग कहते हैं, उससे बड़ा क्लोज इनफ होता है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो एनीवे, तो कॉन्फिडेंस होगा तो वही स्ट्रोक, वही टूल, कॉन्फिडेंस के साथ लगेंगे, काम करने में मज़ा भी आएगा, और उसके बाद जो एंड रिज़ल्ट आएगा उसका, वो भी वो होगा जो तसल्ली बख्श होगा। अगेन, कहने का मकसद ये है छोटे से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि जब टूल्स भी हों और कॉन्फिडेंस ना हो तो उसके बावजूद काम में कुछ कमी रह जाती है, टूल्स भी हों और कॉन्फिडेंस भी हो तो फिर काम पूरा होता है और फ़र्क साफ वाज़े है। जैसा कि आप इश्तिहारात में भी सुनते हैं कि फ़र्क साफ वाज़े है। एनीवे, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि कॉन्फिडेंस जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है, और इसको आप कैसे पैदा करेंगे अपने अंदर, इसके लिए आपको अपने आप को ख़ुद अपने आप पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये अपने आप को समझाना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, वो सच है, इसीलिए फिर आप उसको बयान भी करते हुए डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप बात करें, इंटरव्यूज़ में जाना हो कि एग्ज़ाम में वाइवा देना हो कि आपने एग्ज़ाम करना हो, कोई भी ज़िंदगी का मरहला हो उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आए। पहले तो आप ये जानें कि आप सच हैं, आप हक पर हैं, और फिर इस हक को, इस सच को अपने बॉडी लैंग्वेज से और अपने अल्फाज से लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर बताएं कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाय द वे, ये बताता चलूँ कि ये ज़ुकीनी जो है वो बाद में फिर मैंने काटी भी और इसको सालन भी बना लिया।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।